हेलो दोस्तों, मैं हूँ अशफाक और डिजिटेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन हिंदी फॉन्ट और यूनिवर्सल फॉन्ट को लेकर काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। कभी कभी नेट से हिंदी में लिखे किसी कंटेंट को कॉपी करके जब हम उसे कुर्ती देव में चेंज करते हैं तो वो ब्रैकेट और बॉक्स में चेंज हो जाते हैं, यानी अजीब अजीब फॉन्ट में दिखने लगते हैं। दोस्तों याद रखें, नेट पर हम जो भी हिंदी फॉन्ट देखते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल फॉन्ट यानी यूनिकोड में होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों द्वारा या टीचर्स के द्वारा या कंपनी द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू टाइपिंग करके भेजे गए नोट्स, एजेंडा, सर्कुलर, लेटर्स इत्यादि को हमें प्रिंट आउट निकालना होता है, लेकिन उससे पहले उसमें कुछ चेंजेज करने होते हैं, परंतु यूनिवर्सल फॉन्ट में होने की वजह से हम उसे चेंज नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं किस तरह यूनिवर्सल फॉन्ट को कुर्ती देव में चेंज किया जाता है। यहाँ हम नेट से किसी हिंदी कंटेंट को कॉपी करते हैं, अब इसे इंडिया टाइपिंग की वेबसाइट की मदद से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में या सर्च बार में indiatyping.com लिखना है। आप इसकी वेबसाइट पर आ जाओगे, यहाँ फॉन्ट कन्वर्टर पे क्लिक करना है, फिर यूनिकोड टू कुर्ती देव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी किया गया कंटेंट पेस्ट करना है। अब फाइनली कन्वर्ट टू कुर्ती देव फॉन्ट पे क्लिक करें। अब देखिए किस तरह यूनिकोड से पल भर में कुर्ती देव में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप चाहे तो इसे कॉपी करके MS Word की फाइल पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर MS Word की फाइल में इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ कुर्ती देव फॉन्ट सेलेक्ट करके अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं या फिर आप इस फाइल को इंटरनेट के थ्रू किसी से भी शेयर कर सकते हैं। ये फाइल कुर्ती देव फॉन्ट में एडिटेबल रहेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दोस्तों मैंने जो ये प्रोसेस बताया ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह के नए नए वीडियो पोस्ट करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।